बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा, हम तो वहीं चौंक गया। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है, और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं, और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे, उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था, तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने यह भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहां कौन सा लैंड से।